हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुजय शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे लेक्चर वीडियो देखे और भी सारे वीडियो देखे, सोशल इमोशनल एजुकेशनल देखे। आज जो मैं कंटेंट आपके सामने लेके आया हूँ वो ये है कि बंदा जब भी किसी फील्ड का सिलेक्शन करता है वो यही सोचता है कि हम इस फील्ड में क्यों जाए, और उसका एक ही मात्र टारगेट होता है सिलेक्शन का, और वो ये होता है इस फील्ड को परस्यू करने के बाद हमारे पास विटामिन एम यानी मनी नाम की जो विटामिन है ये कैसे आ सकती है ना। साइंस लो, मैथ्स लो, लॉ की पढ़ाई करो, किसी भी चीज की पढ़ाई करो, तो हमारा एकमात्र टारगेट ये होता है कि जैसे हम उसे कंप्लीट करें हमारे पास नौकरी हो या हमारा खुद का एक बिजनेस हो। ठीक है, ऐसी कोई भी फील्ड हम सेलेक्ट नहीं करते जहां पे हमें कमाने की कोई भी पॉसिबिलिटी ना दिखाई दे। उसी तरीके से मैंने एक स्टडी की, पर मैंने इस पर रिसर्च हुआ थी और मैं देखा कि लोगों में आज भी कॉमर्स को लेकर के एक डाउट है कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से क्या पढ़ाई करनी चाहिए कॉमर्स में, खासकर कि हमें उससे जैसे ही हम उसको खत्म करें उसको पढ़ना, हमें या तो नौकरी लग जाए अच्छी खासी मोटे पिसाले की, या फिर हमारे पास एक अच्छा बिजनेस हो जिसे हम अनइंटरप्टेड मनी सप्लाई करते हैं। यही सेम क्वेश्चन आपके भी दिमाग में जरूर होगा, मैं बहुत श्योर हूँ। तो आज इसी क्वेश्चन का आंसर देने में आया हूँ, और मेरे पास लगभग 18 फील्ड्स हैं जो कि एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा कहते ना स्कोपफुल है, यानी मनी ओरिएंटेड, जिनको परसों का यानी कॉमर्स पढ़ने के बाद अगर आप उन फील्ड्स में एंटर करते हैं तो आप एक नॉर्मल किसी भी बीटेक एमटेक या एलएलबी स्टूडेंट या कोई भी हो अदर देन जो कॉमर्स पढ़ रहा है उससे आप कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। कॉमर्स इकलौता ऐसा फील्ड है जो कि आपको लाखों नहीं करोड़ों कमाने का चांस देता है, बस आपके पास वो ब्रेन होना चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप कमा सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं उन 18 फील्ड्स पे लाइट फोकस करूं या आपके सामने इसको डिस्कस करूं, सबसे पहले एक बेसिक चीज ये कहूंगा कि कॉमर्स अपने में एक इतना वाइड सब्जेक्ट है कि जिसका कोई कंपैरिजन किसी सब्जेक्ट से है ही नहीं। वैसे नहीं कह रहा क्योंकि मैं आपको अपने चैनल के थ्रू कॉमर्स की टिप्स देता हूं, इस वजह से नहीं, मैंने इसकी पर्सनल रिव्यू या पर्सनल स्टडी की है जिसके थ्रू मुझे इसके बारे में पता चला कि एग्जैक्टली हम कॉमर्स के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉमर्स में जरूरी नहीं कि सिर्फ किसी के यहाँ नौकरी करो, कॉमर्स में आप अपना खुद का भी वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मतलब जो नए हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हमारे ही जैसे यंगस्टर्स के लिए ऐसे कई सारे स्कीम्स लॉन्च की है जिनके थ्रू हम अपने खुद का वेंचर स्टार्ट करके अपना पैसा बना सकते हैं, यानी किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि हम खुद का ही एक काम करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी हेडिंग में इस चीज में वाय परसू कॉमर्स, यानी कॉमर्स हम क्यों पढ़े या क्यों पढ़े कॉमर्स, और दूसरी चीज की कॉमर्स से हम लाखों कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में जानने के बारे में देखेंगे। तो मेरे पास जो टॉप 18 सेक्टर्स है कॉमर्स रिलेटेड आज उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन उनमें से कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो जल्दी कोई उन्हें ऑफ नहीं करता, मतलब वो थोड़े डल मोनोटोनस टाइप के हैं, इस वजह से उन्हें जल्दी कोई उतना रिगार्ड नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास जितने भी एरियाज हैं, जितने भी कितना फील्ड है मनी जनरेशन की, हम उन सब का एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसी बात का इलैबोरेशन भी होगा। तो सबसे पहले आपके सामने आज पहले 6 डिपार्टमेंट से रखूंगा जिनके थ्रू हम कॉमर्स परस्यू करने के बाद अपने अपने फील्ड में बेस्ट हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसकी बिना आपको टाइम वेस्ट किए, आपके सामने पहला फील्ड आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं विद द टेक्स्टुअल एक्सप्लेनेशन। चलिए, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब आपके सामने मैंने यहाँ दो फील्ड्स मेंशन किए हैं, एक्चुअली बोर्ड कम होने की वजह से मैं ज्यादा लिख नहीं सकता। तो पहली दो फील्ड्स हैं, एक्चुअली सबसे लोएस्ट फील्ड कहलाती है, ये थी तो 10th नंबर पे, लेकिन मैंने तो फर्स्ट नंबर पे मेंशन किया है। टॉप में कौन सी फील्ड है आपके कॉमर्स से रिलेटेड उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे सबसे लोएस्ट है मैंने सबसे पहले उसी को मेंशन किया है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं नीचे से ऊपर उठाता हूँ हर एक चीज को। जैसे मेरा भी, मैं स्कूल गोइंग बॉय था, तो खैर बाद की बात बात कर सकते हैं, सॉरी माय लेक्चर वाज इंटरप्टेड। मैं कि मैं यहाँ जो पहला फील्ड मैंने लिखा है वो है मास्टर ऑफ कॉमर्स का। एक्चुअली मैं भी एम कॉम हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो जनरली एम कॉम करने के बाद आप लोग जो है या कोई भी एम कॉम पर्सन या कॉमर्स पर्सन जो है उसके पास जो कम्प्लीशन यानी एम कॉम खत्म करने के बाद जो फील्ड उसके लिए होती है
प्रॉमिसिंग फील्ड, वर्थी असिस्टेंट मैनेजर, कंपनी लॉ असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट, रिलेशनशिप मैनेजर एक्सेट्रा। या फिर अगर वो एक नॉन टीचिंग जॉब तो ना करना चाहे तो उसके पास एक और ऑप्शन है, वो है टीचिंग जॉब का। टीचिंग में आपको प्राइवेट भी मिल सकती है, गवर्नमेंट भी मिल सकती है, दोनों के ऑप्शन आपके पास होते हैं। ठीक है, और ये सबसे नीचे इस वजह से क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि पढ़ाना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, टीचिंग इज नॉट एन इजी जॉब, ये कहा गया है, टीचिंग करना आसान नहीं होता। आपको सारे स्टूडेंट्स के कहते हैं ना प्रेशर को झेलना होता है, उनकी शरारतें झेलनी होती है, उनके फ्रस्ट्रेशन झेलने होते हैं और कुछ लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि उनके साथ अगर आप ऊपर नीचे हल्का सा भी करते हैं तो वो आपके फेवर में नहीं जाता, वो आपके गेंस चल जाता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट या टीचिंग जॉब में एमकॉम को करने का टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 साल। ठीक, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, ये सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन के पैटर्न होता है, 6-6 महीने पे 2 एग्जाम होंगे, साल भर में 2 एग्जाम और 2 साल का कोर्स है 4 सेमेस्टर का। और सैलरी जॉब की स्टार्टिंग होगी इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, कंप्यूटर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर टीचर के फॉर्म में, तो 10,000 से शुरू, सॉरी 15,000 से 20,000 के बीच होती है। ये आपके मतलब अगर आप प्राइवेटली पढ़ा रहे हैं तो 15,000 से 20,000 रुपये मिलता है, लेकिन अगर आप एमकॉम करने पा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट लेवल या कहते हैं ना प्रोफेसर लेवल पे जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 50+ मिलती है। ठीक, यानी 50,000+ में आप पाते हैं, लेकिन वहां कंडीशन है कि वहां एमकॉम के साथ आपको नेट और पीएचडी होना जरूरी है। अब जो नया सर्कुलर आने वाला यूनिवर्सिटी का, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के बारे में कहा गया है। अगर आपको हायर क्लासेस पढ़ाना है, यानी उसके एमकॉम लेवल पे ही पढ़ाना है, तो आपको एमकॉम प्लस पीएचडी होना मस्ट है, यानी डॉक्टरेट। ठीक है, सेकेंड आपका है बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये ऐसा कोर्स है जो कि हर एक फील्ड का बंदा करता है, लेकिन अगर मैं कॉमर्स के बंदे की बात करूं जो कि कॉमर्स के थ्रू करना चाहता है, तो बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद आप बीएड कर लीजिए, तो बीएड करने के बाद भी आपको टीचिंग जॉब की कई सारी वैकेंसीज आपको यानी ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिनमें पहला आफ्टर कंप्लीशन आपको टीजीटी टीचर बनाया जा सकता है, यानी ट्रेड ग्रेजुएट टीचर आप बन सकते हैं जो कि 10th लेवल तक का होता है। इसमें बीकॉम प्लस बीएड मांगते हैं, ठीक है, और एमकॉम की डिमांड नहीं होती। लेकिन अगर आप उससे भी ऊपर क्लास जाना चाहते हैं, जैसे पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि 12th लेवल का टीचर होता है, 10+2 जिसे कहते हैं, वहां पे आपको एमकॉम के साथ बीएड करना होता है, यानी आप बीकॉम प्लस बीएड से काम नहीं चला सकते, वहां पे आपको एमकॉम भी दिखाना होता है, यानी आपको एमकॉम भी होना चाहिए। तो एमकॉम प्लस बीएड हो गया। और हाँ, टीजीटी पीजीटी है, तीसरा है स्कूलिंग चार्ज, यानी आप बीएड करने के बाद, आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो बीएड करने के बाद आप स्कूलिंग चार्ज भी बन सकते, कोई भी डिपार्टमेंट आपको थमाया जाता है, स्पोर्ट्स हो, फिजिकल एजुकेशन हो, कुछ भी हो, व्हाट एवर इट इज, आपको स्कूल इंचार्ज के सर्च पे वहां पे प्लेस किया जा सकता है। और ड्यूरेशन बीएड की भी 2 साल की है, यानी 2 साल में आपका बीएड कोर्स कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 10,000 to 40,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो ये जो फील्ड आपके मैंने आपको दिखाए, अभी इसमें आपके और फील्ड बाकी है जिन्हें आपको शो करना है, तो फिलहाल इन दो फील्ड्स को एक नजर आप देख लीजिए। मैं 10 सेकंड के लिए बोर्ड से हट रहा हूँ, आप इसको देखिए, समझिए, फिर हम इसके अगले जो फील्ड्स हैं कॉमर्स रिलेटेड हम उस पर बात करेंगे। इतना लगता है कि पहली दो फील्ड से मैंने आपको दिखाई, ये बेसिकली उनके लिए जो टीचिंग जॉब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको टीचिंग करना बहुत पसंद है, वो इन फील्ड्स को ऑप्ट करते हैं, कि जिसे प्रोफेशनल जॉब करना है वो इन फील्ड्स को ऑप्ट नहीं करते, वो बीकॉम के पास ये एमडी कर लेता है, या फिर क्या कहते हैं उसको, मतलब ग्रेजुएशन अगर आप कॉमर्स वाले हो तो बीकॉम के पास ये एमडी कर लेते हो, वो प्रोफेशनल डॉक्टर है, उस पर भी अभी बात करूंगा। तो ये आपकी फील्ड हो गई। अब अगले दो फील्ड आपके सामने इसमें पेश कर रहा हूँ, और हाँ, कोशिश करूंगा ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो क्योंकि आपको बोरियत भी हो सकती है। ठीक है, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। आइए बात करते हैं अगले दो एरियाज की, जहाँ पे एक कॉमर्स स्टूडेंट यानी या जो 10th 11th 12th जो कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं उन्हें यही सताता रहता है कि हम किस तरीके से कॉमर्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो अगले दो एरियाज के बारे में बात करते हैं जो कि और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, एम कॉम और जो मैंने बी ए की बात बताया था उससे कहीं ज्यादा प्रॉमिसिंग है। पहला है, उसके बाद थर्ड नंबर पे सी एफ ए
सीएफसी का फॉर्म है चार्टर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट या आर्टिस्ट भी कहते हैं इसको। मेन है ये बंदा या जो सीएफसी करता है वो डी किस चीज को करता है ये भी जानते हैं। अदर पर्सन डील्स विद इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी जो सीएफसी कर चुका है वो आपके इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डील करेगा, यानी आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आपके पास कितने पैसे हैं, उन्हें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है और किस तरीके से अपना डेफिसिट बचाया जा सकता है। ठीक है, फिर है बेसिकली ये एक फाइनेंशियल एरिया का कोर्स है। यहाँ पे आपके फाइनेंशियल एरिया का मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट और दूसरी चीज है आपके बिजनेस में लिक्विडिटी मेंटेन रहे उसके सेंस पर इसे देखा जाता है। ठीक है, अब इसका कंडक्शन कंडक्ट कर दिया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्टडीज मुंबई, यानी जो इंस्टीट्यूट इसकी डील करता है उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्टडीज, शॉर्ट में IIBMS। इसका ऑफिस जो है मुंबई में पाया जाता है, यानी मुंबई में आप जाएंगे वहां एनरोल कराएंगे तब आप इसमें एज अ सीएफए परसू करके बाहर निकल सकते हैं। कंप्लीशन के बाद यानी इस कोर्स को खत्म करने के बाद आपको जो पोस्ट मिलती है या जो जॉब्स आपको मिलती है वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट की, सप्लाई चेन एनालिस्ट की, फाइनेंस मैनेजर की और ऑडिटर एक्सेट्रा की। फाइनेंस मैनेजर मैंने पहले बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो फाइनेंस मैनेजर तो ऑब्वियस था कि आना है, और ऑडिटर की है, ऑडिटर भी आप लोग जानते हैं, जितने भी कॉमर्स वाले आप लोग हैं आप लोग ऑडिटर जानते हैं कि ऑडिटर क्या होता है और उसका क्या जॉब होता है। और भी फील्ड है जिसमें आपको स्कोप इसमें दे सकते हैं। इसका ड्यूरेशन है 2 साल, यानी सीएफए अगर आप परस्यू करते हैं तो 2 साल के अंदर आपको सीएफए कंप्लीट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी होती है, वैसे भी एक प्रोफेशनल कोर्स है इसका लाइब्रेरी देखिए आप समझ गया होंगे, तो इस प्रोफेशनल कोर्स में जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 3 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से होती है, जो कि बढ़ते बढ़ते 10 लाख रुपए पर मंथ भी पहुंचती है, लेकिन वो तब पहुंचती जब आप अच्छे खासी पोजीशन पे वहां पहुंच चुके होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी तीसरी फील्ड जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं कॉमर्स पढ़ते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी फील्ड की। चौथा फील्ड है ACCA, ए फॉर एप्पल सी फॉर कैट। ठीक है, ACCA इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यानी एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है जो कि 170 कंट्रीज में ये रन करता है और ये आपको एक तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए ही आपको परस्यू करवाया जाता है। तो मेरा एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट हेडक्वार्टर्ड इन लंदन, ये बंदा बेसिकली डील करेगा फाइनेंस में, कॉस्ट में, ऑडिटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये मैंने यहाँ लिखा अभी आपके लिए कि डील से फाइनेंस, कॉस्ट, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, इसको करने के बाद आपको क्या क्या पोस्ट मिल सकती है उसके बाद देखते हैं। आफ्टर कंप्लीशन यानी उसको खत्म करने के बाद आप एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, ऑडिटर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट एक्सेट्रा में अपना जो फील्ड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर परस्यूइंग, यानी ACCA परचेज करने के बाद, सॉरी परस्यू करने के बाद आपको फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट एक्सेट्रा, इन सब पोस्ट पे आपको नौकरी मिल सकती है या जॉब मिल सकती है। सिर्फ एक जगह नहीं, आपको जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट है 170 कंट्रीज में ये रन कर रहा है, तो ये आपको ग्लोबल एक्सपोजर देता है। इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 2.5 साल का, 2.5 ईयर्स का है और सैलरी है 40,000 to 50,000 पर मंथ, ये स्टार्टिंग सैलरी है फ्रेशर के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें एक्सपीरियंस गेन करते चले जाते हो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये थे 4 फील्ड अब तक में, अभी 2 फील्ड आपके सामने और लाऊंगा। एक ही साथ सारी फील्ड नहीं बना रहा हूँ जानबूझ से, क्योंकि आपको ये थोड़ा बर्डन सा लगने लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं या मेरी जो टीम, फॉलोअर नहीं बोलूंगा, आई एम सॉरी मैं फॉलोअर बोलना छोड़ रहा हूँ, मेरी जो टीम है जितने भी अब तक आए हैं मेरे पास, मेरी फैमिली है, उनके ऊपर मैं कोई लोड नहीं डाल रही, इसीलिए आपके इन सेक्टर्स के बारे में जितने मैंने 18 सेक्टर जमा किए हैं उनको मैं 6-6 जो मतलब हर एक वीडियो में मैं 6-6 सेक्टर लाऊंगा ताकि आपके लिए हर चीज आसान हो जाए, इजी हो जाए समझना कि क्यों पढ़े हम कॉमर्स, हमें कैसे उसमें कहते ना कि कैरियर कैसे बन सकता है। ठीक है, तो अभी 2 फील्ड भी आपके सामने रखने वाला हूँ, उसको देखिए समझिए और फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।
और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए अगले कंटेंट में अगले 6 आपके सामने रख सकूं, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अब आपके सामने मैं पांचवी फील्ड प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं चाह रहा था कि सारे फील्ड्स को एक पेपर पे लेके आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, लेकिन तब मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन न कर पाता जितना अभी मैं यहाँ कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा बोर्ड इस व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपके सामने एक एक वैकेंसी को मैं कहते ना जैसे प्याज ही छिलके होते हैं वैसे वैसे खोल के रखना चाहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे कि किस फील्ड में, अगर हम कॉमर्स लेते हैं 10th के बाद एज अ सब्जेक्ट तो उसमें हमें क्या कैरियर ऑप्शन है। तो ये इसमें 4 मैं बता चुका हूँ, 5वां ये है, इसके बाद इसी में 6 वाला भी मैंने 6वां भी बताऊंगा और फिर आपके अगले कंटेंट में अगले 6 सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो पता है इसके नाम है सीमा, इसको शॉर्ट में सीमा बोलते हैं, फुल फॉर्म है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक। ये हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में, इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है और ये एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है जो कि 180 कंट्रीज में से भी ज्यादा में रिकॉग्नाइज है, यानी अगर आप रिकॉग्निशन को अगर देखते हैं यानी जिसे मान्यता कहते हैं 180 कंट्रीज से ज्यादा भी कंट्रीज में ये मान्यता प्राप्त है, यानी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, ठीक। आफ्टर योर ACCA एंड CFA, उसके बाद ये है कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट में जब आप इसको खत्म करते हैं ये मेन DGCA में करता है। सीमा आपके दो कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है तरीके से, और वो कॉम्बिनेशन क्या है, CA+MBA, यानी अगर आप CA और MBA नहीं करना चाहते तो आप सीमा करके यानी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन करके भी आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का रोल प्ले कर सकते हैं या फिर आप MBA डिग्री धारी हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरी फेवरेट, तो इक्वल टू CA+MBA और ये मेन डील करता है आपके अकाउंटिंग के हर फील्ड से, यानी आपके अकाउंटिंग हर वो फील्ड इसमें इंक्लूडेड है जो कि आप सोच सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, ऐसी कोई भी फील्ड नहीं जिसमें इन्वॉल्व ना, ठीक है। फिर है आपके ये कोर्स कोर्स कहते ना परस्यू करके जब बाहर निकलते हैं तो उसमें आपको क्या ऑप्शन कैरियर ऑप्शन वो देखते हैं और किन किन पोस्ट पे आपको कैरियर ऑप्शन मिलता है, फाइनेंस मैनेजर, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल कंट्रोलर, ह्यूमन रिसोर्स HR की पोस्ट पे भी आप काम कर सकते हैं एक्सेट्रा, यानी ऐसी ये सारी पोस्ट आपके लिए है जब आप सीमा को परस्यू करते हैं तब, ठीक है। और फिर इसमें आपका जो ड्यूरेशन है इस कोर्स को परस्यू करने का वो है 2.5 साल का, यानी 2.5 ईयर आपका है, आप 2.5 साल में इस कोर्स को कम्प्लीट करके अपना खुद का एक तो या तो जॉब कर सकते हो या फिर ऑडिटर बन करके आप इस पर ऑडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक। इसे इसमें ऑडिटर का ऑप्शन दिया नहीं है, एक्सेप्टर जहां में लगाया है इसमें ऑडिटर का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। फिर है ड्यूरेशन मैंने बता दिया 2.5 ईयर्स का है, सैलरी है एज अ फ्रेश इंजीनियर आप एकदम फ्रेश करके ज्वाइन करते हैं तो आपको 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होल्ड करते हो आपको 2 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी भी ऑफर होती है, मतलब कंपनी चाहे ऐसी हो MNC हो या डोमेस्टिक कंपनीज हो आपको 2 लाख रुपए पर मंथ पे करना शुरू कर देती है, लेकिन ओनली वेन यू गेट एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल बात ये है That if you don't have time for MBA, यानी अगर आपके पास MBA के समय नहीं है तो आप सीमा परस्यू करके, ठीक है, सीमा परस्यू करके आप एज MBA भी काम कर सकते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका 6वां फील्ड आपके सामने आ रहा है और आज के वीडियो का लास्ट वो है फील्ड है, इसके बाद मैं अगले वीडियो में अगले 6 कंटेंट तो देखते हैं 6वां, उसके बाद फिर आपसे और बात करते हैं, चलिए। अब आपके सामने आपकी लास्ट फील्ड जो कि है कॉमर्स रिलेटेड, जिन्होंने कॉमर्स कर चुका है, उसका नाम है CPA यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, और ये बेसिकली इसका जो है ये भी ग्लोबल बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर को नहीं निकाल पाया तो मुझे इसका हेडक्वार्टर नहीं मिला, नेवर बेस्ट टू गेट दी हेडक्वार्टर ऑफ दिस CPA, लेकिन इसका जो कंडक्शन यानी इसको जो कंट्रोल करती जो बॉडी वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी के नाम से जानी जाती है।
तो यहाँ लग रहा है इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी होगा या सिर्फ वॉशिंगटन होगा, ठीक होगा। तो बात करते हैं यानी AICTE जो है वो उसकी कंडक्टिंग बॉडी है, जो कंडक्ट कराती है, आपको सिखाती है और फिर आपका एग्जाम लेती है। इसका फुल फॉर्म है पहले वाला है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वर्ल्ड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी। और फिर इसके कुछ और एडिशनल फीचर्स हैं, वो ये है सीपीए क्वालिफिकेशन इज सिमिलर टू द इंडियन सीए क्वालिफिकेशन, यानी अगर आप सीपीए किए हुए हैं तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है सीपीए की वो हमारे इंडियन सीए के बराबर ही मानी जाती है, उसको सुपरसीड नहीं करती, उसके इक्वल है, यानी क्या कहते हैं पैरेलल है। और फिर एडिशन ये है कि एक सीए क्वालिफिकेशन इन एडिशन टू दी सीए क्वालिफिकेशन, यानी सीए क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ अगर आप सीपीए भी है, यानी सीपीए अगर सीए क्वालिफिकेशन लगता है तो सीपीए में मेन चीज क्या है, आपको यूनाइटेड स्टेट्स की गैप की नॉलेज होगी, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज होगी जो कि यूएस में चलते हैं, गैस की नॉलेज होगी GAAP गैस एंड यूएस फेडरल टैक्सेशन एंड बिजनेस लॉस। फेडरल टैक्सेशन का मतलब है ऐसे ट्रांजेक्शन जो की आपके गवर्नमेंट बॉडीज पे लगाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे लगाया जाता है, और ये जो ट्रांजेक्शन है ये अनअवॉइडेबल होते हैं, ठीक है। तो मेन है कि एक सीए क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आप एक सीपीए भी करते हैं तो सीपीए में आपको किस किस चीज की नॉलेज हो सकती है, वो है यूएस के गैप एनालिसिस की, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, गैस एनालिसिस की एंड यूएस फेडरेशन यूएस फेडरल टैक्सेशन एंड बिजनेस लॉस, इसकी नॉलेज भी आपको हो जाएगी अगर आप सीपीए परस्यू करते हैं, यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट अगर बनते हैं तो AICTE के थ्रू, ठीक है। फिर है इसी कंप्लीशन के बाद, यानी सीपीए को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या क्या पोस्ट मिल सकती है वो देखते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स एक्सेट्रा, ठीक है। यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवाइजर्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स दोनों पे आप पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। ड्यूरेशन है इसका एक साल में आप सीपीए करके CFO, CEO, स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवाइजर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स बन सकते हैं। और सैलरी है 15 लाख से स्टार्टिंग होती है, 20 लाख तक जाती है, लेकिन ये सैलरी आपको सिर्फ और सिर्फ एक MNC ही दे सकती है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो 15 लाख से 20 लाख रुपए पर मंथ, या वैसे तो पर मंथ ही दे सकता उसको, लेकिन ये पर ईयर भी हो सकती है। अगर आप फ्रेशर है तो ये 15 से 20 लाख रुपए आपको पर ईयर के हिसाब से होगी, लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस आदमी है तो 15 से 20 लाख रुपए आपको पर मंथ भी मिल सकती है, ठीक है। और सबसे पहली चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक साल के कोर्स में आपको 4 पेपर क्लियर करने होते हैं, यानी ये 4 पेपर अगर आपने क्लियर कर लिए तो आप सीपीए बन जाते हैं, और आपके पास फिर ये पोस्ट होती है और ये पे पैकेज होता है, यानी CFO, CEO के पोस्ट आपके पास आ जाती है, और आप सैलरी में 15 से 20 लाख रुपए पर मंथ अगर एक्सपीरियंस है तो बनाकर एक फ्रेशर है तो 15 से 20 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो आज मैं भी रुक रहा हूँ और मेरा अगला कंटेंट इसी के 6 में आपके सेकंड वीडियो में यानी सेकंड पार्ट में होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी सेम कंटेंट पे, वाई पॉसिबल कॉमर्स, यानी क्यों पढ़े हम कॉमर्स और कॉमर्स से लाखों कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। सी यू टुमारो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच।